आप डिक्लेयर ये मत करो कि पागल है, पूरे दारू पीके का नशे में था, प्लीज उसको लेके आके पनिशमेंट देना। हमारे को भरोसा रहती है, हमारे गांव में बहुत सारे सुबह से भरोसा रहते हैं, बैठे सारे उनको बोरों को भोज उनको पीने का नशा है, तो हमारे कोई धर्म का नशा है, हम कानून को मर्यादा में रखते हैं, वो कर रहे साथ हमारा काम करने के लिए 100% सजा देना साहब उसको अभी करना है, आईना ये काम दूसरा कोई नहीं करे, दूसरा हमारे को अरेस्ट करने का रहे तो सुबह अरेस्ट करने पे आप लोग गरम कर आगे डर जाते, जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करो, रोड चढ़ेंगे पूरा। आप लोग शांत कॉर्नर मत हो, ये साहब सुने ना, ये हमारे बस्ती का मामला है पूरा, शांत से रहना, हमारे ये सोसाइटी क्या तुम सब क्या समझ रहे, क्या हमारे बस्ती क्या है सोसाइटी, ये हमारे सोसाइटी में नहीं चलेगा, सोसाइटी है ऐसा नहीं चलेगा, अभी उड़ जाओ, ट्रक्सी है सब तुम बोल रहे नहीं, मेरी बात सुनो, आपकी जब से बात सुन रहे उन्हों क्या बोल रहे हैं, शंकर अन्ना ड्रग्स है, इन्हों सब श्री राम। आज एग्जीबिशन ग्राउंड नामपल्ली में एक माता जी का मूर्ति स्थापना किया गया था कुछ हमारे हिंदू भाई लोगों की तरफ से, कल रात को 3 बजे के बाद कुछ लोग, कुछ विधर्मी आकर सीसीटीवी कैमरा तोड़कर और लाइट बंद कर एक साजिश के तौर पर माता की मूर्ति खंडित कर दी है। मैं पूछना चाह रहा हूँ क्यों हमारे धर्म को टारगेट करके प्लानिंग से जैसा ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग लेकर काम करने का काम आज एग्जीबिशन ग्राउंड में हुआ है। आप सबको पता है लास्ट टाइम रक्षापुरम में भी इसी तरह का कार्य हुआ तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा क्या बोला गया, वो आदमी पागल था, एक आदमी पागल हो सकता, दो हो सकता, तीन तीन चार चार कैसा हो सकता, मैं पूछना चाह रहा हूँ आज भी फिर यही बात, क्या वो आदमी ड्रगिस्ट है, वो गांजा पी के माता की मूर्ति तोड़ दिया, अरे भैया उन्हों गांजा पी के नशा करता होगा, मगर हमारे पास जो हिंदू धर्म प्रेमी है वो सब माता और भक्ति के नशे में रहते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा यही मानना है, हम पुलिस डिपार्टमेंट से डिमांड कर रहे हैं, आप लोग एक धर्म को लेकर, आप लोग एक मजहब को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर मत करिए साहब, इनको लाइए, अगर आप नहीं कर सकते अरेस्ट तो हमारे को बता दीजिए, इनसे निपटना हम सब हिंदू भाइयों को अच्छे से आता है और अच्छे से करके भी बताते और आज ही बताते, तो यही बोलना चाह रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, उसको लाओ, अरेस्ट करो, जेल को भेजो, नहीं आप नहीं कर सकते तो 100% हमारे हाल पे छोड़ो, हम उसको अरेस्ट नहीं, उसको जो पनिशमेंट देना है हम पूरे मिलके देते, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट जो सजा देना है हम दे, हमारे को पहले डिक्लेयर तो करो कौन है, कौन से मजहब का आदमी है, क्यों ऐसा आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और सोसाइटी में भी जाके बात करें तो ये सोसाइटी हमारे बस्ती में है, हमारे एरिया में
हमारे जो भी तकलीफ है हम बात कर सकते हैं। आज पूरे बस्ती वालों को कितना तकलीफ होता तो भी सोसाइटी का सपोर्ट करते हैं। हमारे माता की मूर्ति खंडित करने के लिए आज सोसाइटी से भी बात किए तो वो लोग भी आश्वासन दिए। अगर सोसाइटी वाले इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हम सोसाइटी में भी परेशान करेंगे, क्योंकि ये बस्ती में है सोसाइटी। यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज सबको दिल में दर्द है, दुख है। हमारी माता के नवमी के दिन इतना बड़ा कांड हुआ, आज खून के आंसू रो रहा है हमारा हर हिंदू भाई। अगर आप लोग इस पे एक्शन में नहीं आएंगे तो जिस दिन ऐसा करने वाला हमारे हाथ लग जाएगा चौरस्ते पे, लाके उसको जिंदा चीर देंगे, बता दे रहा हूँ मैं। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब आने वाले टाइम में नहीं करेंगे। हम सब हिंदू संगठन आकर आज हम सब लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। हमारे को भरोसा है डिपार्टमेंट पे, डिपार्टमेंट शाम तक हमारे को वादा करा अरेस्ट करके उसको जेल को भेजने का काम करेंगे। हमको भरोसा है पूरे सब लोग आए, इसके लिए हम सबको एक होकर काम करने की आवश्यकता है। तो यही कहना चाहता हूँ, अभी जब भी आपको कॉल आएगा अपने हिंदू संगठनों की तरफ से, सब लोग एक होकर अगर शाम तक अरेस्ट नहीं करे तो मोजमजा मार्केट पर बैठ के धरना देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी मेरे हिंदू भाइयों को मैं आपका लड्डू यादव हूँ। आज एग्जीबिशन ग्राउंड नामपल्ली में एक ऐसी घटना घटी है, हमारी माता की मूर्ति स्थापना करें नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे हिंदू भाई, तो वहां पर माता की मूर्ति को खंडित किया गया है और वहां पर माता की साड़ी खोल दी गई है। तो अभी वहां पर जाके आए हैं तो मैं बताना चाहता हूं, अभी तक उसको ना अरेस्ट किए, ना अभी तक उसको ना पनिशमेंट दिए। अभी हम जाके बात करने पे पुलिस डिपार्टमेंट हम सबको आश्वासन दिए कि हम उसको अरेस्ट शाम तक करेंगे, शाम में करके उसको पनिशमेंट जरूर दिलाएंगे। हमको क्या बोला जा रहा है, सोसाइटी में जब बात किया गया तो वो ड्रग पी के है, वो गांजा पी के है, वो नशा करके है। तो मैं आप सबके साथ ये शेयर करने आया हूँ। ठीक है भाई, एक बार हुआ, दो बार हुआ, हर दिन हो रहा है ये। हमारे हैदराबाद में हर दिन हर सुबह हमारे माता की मंदिर तोड़ दी जा रही है, हमारे माता की मूर्ति तोड़ दी जा रही है। क्यों हिंदू खामोश है, इसीलिए क्या? हम सबको आता है, मैं बताना देना चाहता हूँ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, आप अरेस्ट नहीं कर सकते। आप अगर उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते तो आप हमारे हाल पे छोड़ दीजिए साहब, हम उनको अच्छे से पनिशमेंट दे सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम उसको सबक सिखा सकते हैं। हम कानून का हाथ में लेना नहीं चाह रहे, हम डिपार्टमेंट में भरोसा कर रहे। डिपार्टमेंट हमारा भरोसा ना तोड़े, उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करे, क्योंकि ये घटना एक सोसाइटी में हुई है। चार सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, पूरी लाइटा बंद करके आके करे सो काम है ये प्लानिंग से। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये सब ट्रेनिंग दे रहे क्या, ये सब कामा करने की? असदुद्दीन ओवैसी हरदम हिंदुत्व की बात करता, हिंदुओं की बात करता, दलितों की बात करता। आज उनके ही पार्लियामेंट में हमारे गोशमेल कॉन्स्टेंसी में मंदिर तोड़ दिए। लास्ट टाइम रक्षापुरम में उनके ही पार्लियामेंट में उनके भाई की कॉन्स्टेंसी में मंदिर की मूर्तियां तोड़ दिए। ये क्यों हो रहा है हैदराबाद पार्लियामेंट में, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये समझने की आवश्यकता है, हम हिंदू खामोश नहीं है साहब। हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट नहीं, डिमांड कर रहे हैं, अगर आप लोग अरेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप लोग उसको पनिशमेंट नहीं देंगे तो हमारे को अच्छे तरीके से आता है, हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यही बताने के लिए आज हम एग्जीबिशन ग्राउंड पूरे हिंदू संगठन आए, आज पूरा डिमांड हम लोग बात करके वो शाम तक अरेस्ट करने का टाइम हमसे मांगे है, शाम तक अरेस्ट करेंगे। और यहाँ पर अगर हैदराबाद में ऐसा कहीं भी घटना होगी तो इसकी जिम्मेदार यहाँ की सरकार होगी, क्योंकि हम लोग हिंदू खामोश बैठने वाले नहीं है, हैदराबाद में रोज का हो गया है। मैं आप सबको यही शेयर करने आया हूँ। भारत माता की जय। जय श्री राम।